दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023, दोस्तों आपके बीच में डीएलएड एडमिशन 2023 के संदर्भ में जितने भी कंफ्यूजन्स हो रहे हैं, सारे कंफ्यूजन्स को हम वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके कुछ कमेंट आ रहे हैं, उस कमेंट को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए आपके बीच में कुछ कंफ्यूजन्स लिखे गए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि संपर्क माध्यम आपके बीच में दिया जा रहा है 94-52-33-10-53। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। और आपको पता है मैंने आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें, वहां पर लिंक पड़ी हुई है, आप ग्रुप को ज्वाइन करके ग्रुप से भी अपने कंफ्यूजन्स को आप दूर कर सकते हैं। आपके कॉल्स आते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा कि आपके कॉल्स का रिप्लाई हम नहीं दे पाते हैं, इसलिए आप प्लीज कॉल ना करें। अगर आपको दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, समय रहते हुए आपके मैसेज का रिप्लाई मिल जाता है। चलिए यहां देखिए आपके बीच में सबसे पहले यहां कुछ मैंने आंकड़ा लिख रखा है जो कि आप कल की डेट में आंकड़े को देख लिए थे, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहां एक सबसे ट्रेंडिंग का मुद्दा चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी का। आज की डेट में आपने देखा बिहार शिक्षक भर्ती का मामला था जहां पर आए दिन अभी आपकी भर्ती परीक्षा हुई जिसमें बीएड को एलिजिबल किया गया, लेकिन आज की डेट में हुआ क्या, यह पहले भी होना तय था जो कि 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीटीसी के फेवर में आया, बीएड को पीआरटी से बाहर किया गया। उस वक्त भी यह तय हो चुका था कि बिहार से जो है बीएड को बाहर किया जाएगा, लेकिन फाइनली एक सबसे अहम मुद्दा बचता था कि बिहार में बीएड को शामिल किया गया शर्त के अनुसार। ये चीजें क्लियर थी कि आज नहीं तो कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में लागू होगा, और फाइनली आज वही चीजें हुआ। मैंने आपसे कहा था परीक्षाएं बीपीएससी भले आपका ले रहा है, क्योंकि वहां पैसों की बातें थी, अब आपसे ऑनलाइन आवेदन करा लिए थे, अब जैसे अगर आप बीएड कैंडिडेट थे, अगर आपको वो परीक्षा नहीं करवाते तो उन्हें पैसा आपका जो है वो रिफंड करना पड़ता है। अब परीक्षा आपकी करवा ली, अब ऐसा तो है नहीं कि आप उनसे परीक्षा आपकी करवा ली, अब पैसे की मांग तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए यही सबसे प्रमुख कारण था कि आपकी परीक्षाएं बीपीएससी ने करवा लिया, ठीक है। और आज की डेट में बीपीएससी ने बीएड को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। बीपीएससी का रिजल्ट जो पीआरटी का है, अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को आप नोट करिएगा। यह सबसे अहम मुद्दा है। कुछ लोग बीएड जो है बीटीसी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा बीटीसी हमेशा प्राथमिक में काबिज था और रहेगा आने वाले समय में भी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि 2023 में बीटीसी का 2030 में बीटीसी का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपसे कहा है कि जैसे 2017 में बीटीसी का नाम बदलकर डीएल किया गया, वैसे हो सकता है कि 2030 में डीएलएड का नाम बदलकर कुछ और कर दिया जाए। लेकिन अगर आप यह कहते हैं कि बीटीसी का जो अस्तित्व है वो 2030 में समाप्त हो जाएगा तो कभी ये किसी कीमत पर ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीजें आपको पता है। हमारा जो मुद्दा है डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 का, जो कि आपको पता है टोटल रजिस्ट्रेशन आपके बीच में 5,09,969 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और आपके यहां 3,33,183 अभ्यर्थियों ने फीस को जमा किया, ठीक है, ये चीजें भी आपको पता है। और यहां देखिए हमारे यहां डायरेक्ट की जो सीटें हैं 10,600 हैं, प्राइवेट की 2,974, कॉलेजों में 2,22,750, यानी अगर सबको मिलाया जाए तो 2,33,350 सीटों पर आपकी बार एडमिशन की प्रक्रिया आपके यहां होनी है। सवाल उठता है कि आखिरकार सीटें हमारे यहां कम है लेकिन जो कैंडिडेट हैं सीटों के सापेक्ष लगभग मानकर चलते हैं कि 1,00,000 अभ्यर्थी ज्यादा हुए हैं, क्या सभी का एडमिशन हो जाएगा? मैंने आपको कल इस पर चर्चा किया था कि सबका एडमिशन होगा या नहीं होगा। हमने आपके बीच में एक कट ऑफ का वीडियो दिया था कल की डेट में, जब शाम को वीडियो गया था तो उस कट ऑफ का आप विरोध कर रहे थे। देखिए कट ऑफ का वीडियो हम कम भी बता सकते हैं, है ना, जैसे हम अभी कह दें कि आपका कट ऑफ 170 जाएगा डायरेक्ट का, लेकिन यार
हमें आपके ऊपर विश्वास काबिज करना है, ठीक है। यहां से मैं फैक्ट जानकारी आपको दूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांत्वना मात्र के लिए मैं आपको वीडियो दे दूं, यह संभव नहीं है। मैंने आपसे कहा है यहां जो मैंने कट ऑफ आपकी बताई है, मैं जानता हूं कि 240 से 250 के बीच में मैंने आपको बताया है, लेकिन हम भी आपसे ये चीजें कहे हैं कि आप वीडियो डिलीट नहीं होगा, जब पीएनपी की तरफ से आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी तो उस वक्त आप इस वीडियो से और उस कट ऑफ से मिलान करिएगा। हाँ, ये मानकर चलते हैं कि 2-4 नंबर का फर्क देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको 10-15 नंबर का फर्क मिलेगा, ये कदापि नहीं हो सकता। इसलिए फिर से मैं कहूंगा, हालांकि अभी मैं कट ऑफ पर फिर से आता हूं, आपको बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। बहरहाल सबसे पहले इन चीजों पर आप चर्चा करिए। यहां देखिए 99,883 कैंडिडेट ज्यादा हैं। 12 सितंबर को आपका रैंक कार्ड जारी होगा, काउंसलिंग आपकी 15 सितंबर से है और प्रशिक्षण आपका 21 नवंबर से प्रारंभ होगा। मैंने आपको कल बताया था कि हम अपने चैनल के माध्यम से, जहां पर आप वर्तमान समय में वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासे मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको, मैंने आपसे कहा है मैं जीरो लेवल से आपको प्रारंभ करता हूं, मैं जानता हूं आप अगर बीएससी करके आए हैं तो आपको एजुकेशन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है जिनको एजुकेशन, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट थोड़े से समझ में कम आते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेहतरीन जगहों पर जुड़े हुए हैं। आपके लिए यहां से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके परीक्षा में हुबहू क्वेश्चन, मैंने पिछला सत्र जो 2022 का प्रथम सेमेस्टर बीता हुआ है, आप उन अभ्यर्थियों से पूछिए कि इस चैनल के माध्यम से किस तरह से क्लासे प्रोवाइड की जाती है, खुद ब खुद आपको दूध का दूध पाने का पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। आपका जो परीक्षा नजदीक आता है तो यहां से मॉक टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपके लिए जो है एक मॉडल पेपर भी दिया जाता है कि इस तरह से, और प्रीवियस ईयर सारे, यानी कहा जाए एक एक चीजों का विश्लेषण इस चैनल के माध्यम से हम आपको कर दिखाते हैं, ठीक है। और भी चैनल आपके लिए हैं, लेकिन इतना कोई आपके लिए नहीं करता, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं। जहां पर हाँ यह है कि थोड़ा सा जो हैंड रिटन नोट्स होता है, क्योंकि जहां पर परिश्रम होता है भाई, उसके लिए कुछ ना कुछ एक संस्था होती है, उसे चलाने के लिए कुछ ना कुछ धन अर्जित करना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बहुत कम से कम फीस में जितना हर कैंडिडेट के पास उपलब्ध हो पाता है आपके लिए हम करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल कम से कम फीस में, ठीक है। तो बहरहाल अभी वो समय दूर है जब आपका प्रशिक्षण, मैंने आपसे कहा है हम 21 नवंबर से पहले आपकी प्रशिक्षण की शुरुआत इसी चैनल के माध्यम से करते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसी चैनल पर मैं, ऐसा नहीं कि आप विद्यालय जाएंगे, आपका कोर्स सिर्फ 6 महीने में एक बार पढ़ाएंगे, लेकिन आप जब फीस को पेमेंट यहां से कर देंगे ना, तो हम 6 महीने में आपका 2 बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ऐसा जो है 2 बार कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट नोट भी फिर से मैं प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। उसी के साथ साथ सारा कुछ आपका जो है, जब आप कोई भी सब्जेक्ट 2 बार पढ़ते हैं तो सब कुछ आपका तैयार होता हुआ चला जाए। पहली बार तो सारा चीजें हम डिस्कस करते हैं, दूसरी बार आपका जो फैक्ट होता है उसी को हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करे, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीजें छोड़िए, जब आपका परीक्षा नजदीक होगा, सॉरी जब आपका सेमेस्टर चलेगा, तो खुद ब खुद आप सारी चीजें समझ जाएंगे कि यहां से क्या कुछ कैसे होता है। हम आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर देंगे कि कब कैसे कौन सा कोर्स चलता है, सब कुछ आपको समझ में आएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, यहां डायरेक्ट एडमिशन की शुरुआत हो चुकी, अब आपके बीच में तमाम कॉलेज वाले लुभावनी भरी चीजें दे रहे हैं कि भैया आ जाइए मेरे यहां एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। और आप हैं, मैंने आपसे जब शाम को वीडियो प्रोवाइड किया था, और जो है मैंने, हमें लगता है कि 4-5 बजे के आसपास में, तो मैंने कहा था इस डायरेक्ट एडमिशन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए किसी कॉलेज के माध्यम से करवा रहे हैं, जैसे हम मानकर चलते हैं आपके पास कोई कॉलेज है, ठीक है, मैं मानकर चलता हूं कि आपके पास कोई कॉलेज है, एक कॉलेज में मानता हूं, और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, आप किसी अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स अपने पास ले लिया, ठीक है, जब आप डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे तब, जब पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल ऑर्डर आएगा तब, ठीक, अपने मन से नहीं करवा सकते। हाँ, आप डॉक्यूमेंट्स अगर इनका ले रहे हैं तो आप जो प्रक्रिया पीएनपी के अनुसार चलेगी उसी हिसाब से आप करवाएंगे, ऐसा नहीं कि आप पहले जब पीएनपी का आदेश आया नहीं आपने डायरेक्ट एडमिशन कर दिया, यह संभव नहीं है, ठीक है। मैंने कहा आपसे, मैं मानता हूं कि आपने मेरा डॉक्यूमेंट्स ले लिया, और जितनी रैंक हमारी है रैंक के हिसाब से आप मेरी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद
अगर मेरी रैंक के हिसाब से आपका कॉलेज है तो आपका कॉलेज मिल जाएगा। पता लगा भैया आपके कॉलेज में मेरी रैंक काम ही नहीं करी तो जाहिर सी बात है हमें कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आप करेंगे क्या, आप एक कॉलेज लॉक करेंगे। मुझे पता है अगर आपके पास एक कॉलेज है तो सिर्फ एक कॉलेज लॉक करेंगे और आप बच्चों का भविष्य नहीं देखेंगे। ठीक है, पता लगा बच्चों को कॉलेज ना मिला तो फिर से आप अगले राउंड में उसे कर देंगे। और खुदा न खासा, भगवान ने करे ऐसा हो कि फिर से अगले राउंड में भी कोई कॉलेज ना मिले तो फिर आप वही प्रक्रिया करेंगे। अगर सीट बचती है तो फिर से आप एक कॉलेज लॉक करेंगे। फाइनली ये देखने को मिलता है, हालांकि पिछली बार तो सीटें बहुत खाली थी, जो है हम 2017 की बात आपसे कर रहे हैं, ये चीजें देखने को मिला था। चूंकि 2017 में जैसा क्रेज आज आपका है सेम वही कंडीशंस डीएलएड की थी। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिली थी। तो अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो कॉलेज के द्वारा डायरेक्ट एडमिशन करवा रहे थे, उनका एडमिशन नहीं हुआ। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप किसी कॉलेज के चक्कर में ना पड़े। डायरेक्ट एडमिशन जब होगा तो पीएनपी खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट updlgovernment.in पर जो है लेटर जारी करेगी कि इतने डेट से इतने डेट के मध्य हम डायरेक्ट एडमिशन करवा रहे हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप जाकर ले सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, अभी आपका कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा है। भले ही कॉलेज वाले आपसे कह रहे हैं कि आप आ जाइए, मेरे यहां एडमिशन हो रहा है, आप कर लीजिए, ठीक है, वो बिल्कुल जो है गलत है। हां, मैंने आपसे कहा सेम काउंसलिंग के आधार पर ही वो करेंगे। और एक चीज कहिए, मैं फिर से कहूंगा कि आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया के लिए आप स्वतः जो है जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा तो खुद ब खुद आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां कट ऑफ का कर रहे विरोध। देखिए, आप जो कट ऑफ का विरोध कर रहे हैं, मैंने आपको यही बताया था कि आपकी कट ऑफ जो है वो 240 से 250 तक, मैंने आपका कट ऑफ बताया था। ठीक है, 240 से 250 तक जो है एससी सॉरी जनरल का कट ऑफ था। और हम अगली कट ऑफ आपके बीच में बताए थे 235 से 240 का बताए थे। ठीक है, और एससी का हम बताए थे 225 से 230 बताए थे और 210 से और 200 बताए थे। ठीक है, और यहां हम बात करते हैं प्राइवेट की, लगभग 220 थी और इनका हमें लगता है कि 210 था और इनका लगभग 200 था और इनका 180 था। अब जरा सा विचार करें, हम आपसे यही कह रहे थे कि अभी जो 240 हम आपको बता रहे हैं, यार आप ये चीजें देख पा रहे, 1,00,000 कैंडिडेट ज्यादा हैं। ठीक है, हर कोई चाहेगा कि मुझे डायरेक्ट कॉलेज मिल जाए, क्या आप नहीं चाहेंगे? कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, मुझे लगता है कि अगर 100 लोगों को आप देखेंगे तो 100 में से 90 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको डायरेक्ट चाहिए। ठीक है, जिनको डायरेक्ट चाहिए 90 लोग मिल जाएंगे। अब जरा सा विचार करें, अभी हम ये कट ऑफ आपकी 200 भी बता सकते थे। ठीक है, 190 भी बता सकते थे, है ना, 200 बता सकते थे, 200 से 190 भी बता सकते थे, लेकिन यार ये काम नहीं होता है, है ना। आपकी बार आपकी कट ऑफ 101% ज्यादा जाएगी। हाँ, हम मानकर चलते हैं कि जो है ये 240 जो हम बता रहे हैं, ये 238 हो सकता है, 235 हो सकता है। मैंने कहा आपसे प्लस माइनस आप 4-5 नीचे ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा, बट ये कट ऑफ आप नोट करिएगा मेरे दोस्त, कभी ये कट ऑफ फ्लॉप नहीं जाएगी, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपसे कल यही बताया था कि ये पहले चरण में आपकी इतनी मेरिट गई, दूसरे चरण में और लोवेस्ट होती है, तीसरे चरण में और लोवेस्ट होती है, चौथे चरण में एकदम लोवेस्ट होती है, और फाइनली जब डायरेक्ट एडमिशन होता है तो डायरेक्ट एडमिशन में भी मेरिट पर होता है। ऐसा नहीं कि जाए जकर मन कहते कर जाकर एडमिशन ले ले, ऐसा नहीं होता। आप जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वाले जमा करेंगे, शाम को मेरिट के अकॉर्डिंग जितने बच्चे आए रहेंगे सबके मेरिट के अकॉर्डिंग उनके नोटिस बोर्ड पर चश्मा मिलेगा कि मेरे यहां इतने बच्चों का एडमिशन हो गया है, आइए आपका एडमिशन यहां होगा। ठीक है, तो आप वहां जाएंगे, जो भी प्रक्रिया होती है फीस वगैरह की आप जमा करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे, कट ऑफ का विरोध जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, आप ध्यान दीजिएगा, जब आपकी कट ऑफ आ जाएगी तो खुद ब खुद आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां गेस मार्किंग का कर दिए हैं, क्या होगा, हमने कल आपको गेस मार्किंग का एक फार्मूला बताया था। जो लोग गेस करके मार्किंग कर दिए, कुछ लोग कह रहे हैं इनका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं, एडमिशन होगा, लेकिन हमारी जो पीएमपी है उनकी जो गाइडलाइंस ये कहती है कि आप आवेदन की तिथि, जैसे आपकी आवेदन की तिथि जो है 31 तारीख थी, अगर आप रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के पहले अगर आपका रिजल्ट आ गया है और आपने गेस करके मार्किंग कर दिया है तो 101% आपका एडमिशन होगा। मैंने आपको बताया था अगर गेस जितना नंबर आपने फॉर्म में डाल रखा था उससे ज्यादा नंबर आपका आना चाहिए,
है ना, उससे ज्यादा नंबर आपका रिजल्ट आना चाहिए। अगर आपने फॉर्म में 5 नंबर डाला है तो आपका रिजल्ट में 6 नंबर आना चाहिए, और अगर आपने रिजल्ट में जो है फॉर्म में 5 नंबर डाला है और रिजल्ट 4 नंबर आ गया तो एडमिशन नहीं होगा, है ना। इसे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको फार्मूला बताया था, अब आपने उस फार्मूले को अपनाया या नहीं अपनाया वो आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। बट मैंने आपसे यही कहा है, अगर रिजल्ट जो है आवेदन की अंतिम तिथि के पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपका एडमिशन होगा, अन्यथा की स्थिति में आप एडमिशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिर आपको 1 साल का वेट करना पड़ जाएगा, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे यही कहा था कि भैया आप फॉर्म को भर दीजिए, रिजल्ट समय से आ जाएगा तो हो जाएगा, अन्यथा किस स्थिति में आप वैसे भी बाहर थे वैसे भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर रिजल्ट आ गया होगा तो एडमिशन आपका होगा, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, यहां क्या एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं? जी नहीं, हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप एक साथ दो कोर्स कर लीजिए भैया, इसलिए हम आपको नहीं कहते हैं एक साथ दो कोर्स करने के लिए। देखिए, पहला चीज तो ये आपका प्रशिक्षण है, ठीक है। प्रशिक्षण कभी भी, जैसे आप भले ही कॉलेज ना जाएं वो बात की बात होती है, है ना, लेकिन प्रशिक्षण आपका रेगुलर होता है। कॉलेज वाले आपको नहीं बुला रहे हैं वो उनका मामला है, लेकिन प्रशिक्षण आपका रेगुलर होता है, प्रशिक्षण कभी प्राइवेट नहीं होता, है ना। जैसे आप दो कोर्स कर रहे हैं, आप विद्यालय नहीं जाएंगे, अब कभी अगर पकड़े गए ना तो बातें फंस जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, कुछ लोग जा भी रहे करने के लिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा ना मैं बाध्य करूंगा कि आप मत करिए, आपका आपकी लाइफ है, जो इच्छा कहे वो करिए, लेकिन यहां से अगर आपको एक मार्गदर्शन मिल रहा है, आप उसे अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं वो आपका काम है, लेकिन जितना नॉलेज मुझे आप मुझसे गेन करने का प्रयास करें। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक साथ दो कोर्स न करें तो आपके लिए बेहतर होगा, है ना। बाकी अदरवाइज आपकी इच्छाएं आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहां कुछ लोगों का एडमिशन अब की बार होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, जिनके यहां देखिए मैंने आपको कट ऑफ भी बताया है प्राइवेट का, है ना। तो प्राइवेट की कट ऑफ को आपने देख लिया है कितनी जा सकती है, और भी हाईएस्ट जा सकती है और भी लोवेस्ट जा सकती है, बट ये जो डायट की कट ऑफ है 101% सही है, मैंने आपसे बार बार यही कहा है। बहरहाल जब आपकी कट ऑफ जो है पीएनपी की तरफ से आ जाएगी तो खुद ब खुद आपका क्लियर हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए कट ऑफ हमारी कितनी गई, मैं आपसे बार बार यही कहा हूं कि आप 4-5 नंबर जो है लेस कर सकते हैं और हाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन्स के लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ग्रुप भी, ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।